खंडवा निमाड़ जिले में इन दिनों गणगौर पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चैत्र की नवरात्रि में गणगौर पर्व मनाया जा रहा है। पूरे निमाड़ में गणगौर पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर जवारे बोए जाते हैं तथा एक सप्ताह तक माताजी के जवारों की सेवा की जाती है। तत्पश्चात माताजी के जवारे अपने घरों में लेकर पूजा अर्चना की जाती है। जगह जगह भंडारों का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। निमाड़ के इस पारंपरिक गणगौर पर्व पर माताजी का विशेष श्रृंगार श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। गणगौर माता के गीत गाकर झालरिया के साथ श्रद्धालुओं द्वारा नृत्य भी किया जाता है। यह परंपरा क्षेत्र में वर्षों से अनवरत चली आ रही है। इसी के चलते क्षेत्र के ग्राम छेगांव माखन में गणगौर पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्राम के पुरोहित जी द्वारा माताजी के जवारों की सेवा की जा रही है। गणगौर पर्व पर छोटे छोटे बच्चे दूल्हा दुल्हन बनकर भजन और कीर्तन तथा नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। अनेक स्थानों पर चुनरी यात्रा भी निकाली जा रही है। महिला मंडल द्वारा माता देवी का पाठ पूजन किया जा रहा है एवं चुनरी अर्पित कर आरती भी की जाती है। ढोल ढमाकों के साथ माता के जयकारे लगाकर लोग नजर आते हैं। इस धार्मिक पर्व का उत्साह देखते ही बनता है। नाम बताइए। मेरा नाम रंजना लाड है। ये निमाड़ में जो गणगौर उत्सव होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। निमाड़ में गणगौर उत्सव हमारे यहाँ कई वर्षों से गणगौर पर्व अति हर्ष उल्लास से मनाया जाता है और माता जी को घर लाने के पहले घरों को अच्छी तरह से सजाया जाता है। उनके आगमन की बहुत सारी तैयारियां की जाती है और यहाँ पर गणगौर माता की बाड़ी सुबह 3 बजे से पूजा शुरू हो जाती है यहाँ पे और भक्तों को प्रसादी भी वितरित की जाती है। चलो निमाड़ क्षेत्र और बोहाना क्षेत्र में बड़े उत्सव से ये जैसे हम शादी घर में करते हैं उस हिसाब से घर घर प्रत्येक घर साफ सफाई वगैरह होती है और माँ भगवती का यहाँ पर 8 दिन तक पदार्पण होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को यहाँ पर माँ गणगौर की मूट रोपी जाती है और प्रत्येक घर से जिसको भी माताजी प्रेरणा देती है वो अपने घर से वो कुरकैया छोटी छोटी टोकरियाँ बाँस की लेकर के आकर आते हैं यहाँ पर और जवारे उसमें बोरण होते हैं और तीज के दिन यहाँ पर माताजी की बाड़ी खुलती है और गाँव के समस्त नागरिक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजन करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो माताजी की बाड़ी लुटा जाती है। जिसकी माताजी है वो अपने अपने घर ले जाते हैं, आनंद उत्सव से मनाते हैं, बाजे गाजे के साथ ले जाते हैं, खूब आनंद आता है। पूरा गांव ऐसा एक रोशनी में जगमगा जाता है जैसे यहाँ पर पूरे गांव की आज शादी हो रही है, पूरे गांव का विवाह हो रहा है और पूरे प्रत्येक समाज के यहाँ पर भाई बहन सब मिल करके आनंद उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार से गणगौर वर्ष न जाने कब से पीढ़ान पीढ़ी से यहाँ पर चलते आ रहा है और ये चलता रहेगा। जय माँ गणगौर।